Namaste and once again welcome back to my channel Organizopedia. Diwali is around the corner and we all have started cleaning our homes. तो हम दिवाली की प्रिपरेशन कुछ इस तरीके से क्यों ना करें कि फटाफट हमारा सारा काम भी खत्म हो जाए और हम दिवाली को अच्छे से एंजॉय कर पाएं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से सिर्फ 6 days के अंदर आप अपने पूरे घर को अच्छी तरीके से डीप क्लीन कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। फर्स्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप, आप सबको ही दिवाली की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए 20 to 25 days बिफोर दिवाली, ताकि आप बहुत अच्छी तरीके से अपने पूरे घर को डीप क्लीन कर पाएं। एक दिन में सिर्फ एक ही रूम को अच्छे से डीप क्लीन करें एंड मेक श्योर नॉट टू स्पेंड मोर देन 2 hours इन 1 room। आइडियली आपको मॉर्निंग में स्वीपिंग और मॉपिंग के पहले डीप क्लीनिंग स्टार्ट करनी चाहिए। अर्ली मॉर्निंग जब मैं 7 o'clock अपने बेटे के लिए स्कूल लंच पैक करती हूँ, उसी टाइम पर मैं लंच और ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन करके रख देती हूँ एंड 8:30 मैं डीप क्लीनिंग स्टार्ट करती हूँ और 10:30 मेरी हाउस हेल्प आती हैं, तब तक मैं बहुत सारा डीप क्लीनिंग का काम खत्म कर देती हूँ और एक साथ पूरे घर की मॉपिंग एंड स्वीपिंग हो पाती है। दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टिप, आप डीप क्लीनिंग स्टार्ट करिए आपके घर के लास्ट रूम से। ऐसे करने से डस्ट ट्रैवल नहीं करेगी और दूसरे रूम्स में जाकर के सेटल नहीं होगी, जिसकी वजह से आपका काम बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। उसके बाद में जितने भी आर्टिफैक्ट्स, डेकोर पीसेस या वॉल के ऊपर पेंटिंग्स लगी हुई हैं, उन सबको निकाल करके बेड पर रखिए अगर आप बेडरूम्स को क्लीन कर रहे हैं तो। इलेक्ट्रॉनिक्स को सेफली किसी और रूम में जाकर के रख दें। रूम्स में सबसे पहले आप फैंस को अच्छे से डीप क्लीन करिए, इस तरीके का ब्रश आप यूज कर सकते हैं। ट्राई टू फॉलो टॉप टू बॉटम अप्रोच, यानी कि जो टॉप सर्फेसेस है आप उन्हें पहले डीप क्लीन करिए, जिसमें कि आपका सबसे पहले सीलिंग और उसके बाद में आती है वॉल्स। आप इस तरीके से जब क्लीनिंग करते हैं तो जो डस्ट है वो लोअर सर्फेसेस में आकर के सेटल हो जाती है, जिसकी वजह से आपको बार बार क्लीनिंग नहीं करनी पड़ेगी। अब हम सबके ही घर में कुछ ऐसे टॉप सर्फेसेस होते हैं जिसमें डस्ट आकर के सेटल होती है, लेकिन हम इसे बहुत जल्दी जल्दी देख नहीं पाते हैं। तो इन जगहों पर न्यूज़पेपर को लाइन करें और इस टाइम पर आप इसको चेंज जरूर करें। अगर रूम के अंदर स्पेस है तो बेड्स को डिस्प्लेस करिए, क्योंकि देखिए इसके पीछे बहुत सारी डस्ट एक्यूमुलेट हो जाती है। इसे आप ब्रूम या फिर वैक्यूम क्लीनर से क्लीन कर सकते हैं। बेसबोर्ड पे डस्ट एक्यूमुलेट हो जाती है, उसके लिए आप वैक्यूम क्लीनर का यूज कर सकते हैं। जब हम बेड्स को हटाते हैं तो पीछे वाली वॉल में भी बहुत सारी डस्ट होती है, तो उसे आप एक ब्रश से रिमूव कर दें। इसी तरीके से फर्नीचर के पीछे बहुत सारे कोवेब्स और डस्ट लग जाती है, जिसको आप एक नॉर्मल फेदर ब्रश की हेल्प से क्लीन कर सकते हैं। इस जगह को सबसे पहले मॉप करें, ड्राई होने दें, उसके बाद में ही बेड को वापस उसकी जगह पर शिफ्ट करें। अगर आपके रूम में स्पेस नहीं है और बेड आप शिफ्ट नहीं कर सकते हैं तो आप इस तरीके का गैप डस्टर यूज कर सकते हैं डस्ट को हटाने के लिए। डस्टिंग हो जाने के बाद में थोड़ा सा वाटर में सोप मिक्स करके एक सोल्यूशन रेडी करें और जितने भी फर्नीचर पीसेस हैं, स्पेशली लैमिनेट्स वाले, उनको आप इस सोल्यूशन से क्लीन कर सकते हैं और इसे कम्प्लीटली ड्राई होने दें। जब तक हमारे फर्नीचर पीसेस ड्राई हो रहे हैं, जितने भी डेकोर पीसेस या पेंटिंग्स हैं, उन्हें भी आप इसी सॉल्यूशन से एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से क्लीन करके अलग रखते जाएं। अभी दिवाली में काफी टाइम है तो इन डेकोर पीसेस को वापस मैं उनकी जगह पर रख रही हूँ एंड आई विल मेक श्योर कि अगर मैं कुछ चेंजेस करती हूँ तो आप सबके साथ में मेकओवर डेफिनेटली शेयर करूंगी। स्टफ्ड टॉयज को आप बहुत आराम से वॉशिंग मशीन में क्लीन कर सकते हैं। डस्टिंग के टाइम पर डस्ट यहाँ पर सेटल हो रही थी, तो बेडशीट, कुशन कवर्स और पिलो कवर्स को अच्छी तरीके से क्लीन जरूर करें। जब हम रूम बाय रूम क्लीनिंग करते हैं तो हमें इनफ टाइम मिल जाता है लॉन्ड्री करने के लिए, जिसकी वजह से आपका काम इंक्रीज बिल्कुल नहीं होता है। स्टडी टेबल अगर रूम में है तो चेयर को क्लीन करने के लिए वैक्यूम क्लीनर यूज करिए।
फैब्रिक पोर्शन को आप वैक्यूम क्लीनर से क्लीन कर सकते हैं और जो प्लास्टिक का फ्रेमवर्क है उसे क्लीन करने के लिए आप एक वेट माइक्रोफाइबर क्लॉथ यूज करिए। मैं अभी कर्टन्स को सिर्फ और सिर्फ वैक्यूम क्लीन कर रही हूँ। इन कर्टन्स को मैं मशीन वॉश करूंगी दिवाली से ठीक 10 days पहले। दिस इज डे 2 और आज मैं डीप क्लीन करने वाली हूँ हमारे घर का मास्टर बेडरूम। तो सबसे पहले जितने भी डेकोर पीसेस, कुशन कवर्स और पिलो कवर्स हैं, उनको मैं बेड के ऊपर रख दूंगी। आज मैं सेकेंड डे क्लीन कर रही हूँ आफ्टर 4 या 5 days। तो आप इसी तरीके से प्लानिंग कर सकते हैं, वीक में 1 या 2 बार आप किसी भी घर के रूम को क्लीन करिए, जिसकी वजह से आप बहुत ईजली और स्ट्रेस फ्री क्लीनिंग कर सकते हैं। जिस भी रूम में हम फैंस ज़्यादा यूज़ करते हैं उस रूम का फैन जल्दी गंदा हो जाता है। तो सबसे पहले हम फैन को क्लीन करेंगे इस रूम में भी, और उसके बाद में कोबवेब्स रिमूव करेंगे फॉल सीलिंग और वॉल्स के ऊपर से, जैसे कि मैंने आप सबके साथ पहले भी शेयर किया है। अब अगर आपके रूम में उतना स्पेस नहीं है कि आप डबल बेड्स को डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं, तो आप इस तरीके का एक डस्टर यूज करिए डस्ट को रिमूव करने के लिए। बेड में अगर ड्रॉर्स लगे हुए हैं तो ड्रॉर को हटा करके इसी डस्टर की हेल्प से अच्छी तरीके से उस एरिया को क्लीन करें। और देखिए कितने अच्छे से क्लीन हो गया। और उसके बाद में क्योंकि आपके पास यहाँ पर काफी स्पेस होता है तो आप बहुत अच्छे से मॉप कर सकते हैं, तो उसे जरूर मॉप करिए। बेड के नीचे से काफी सारी डस्ट बाहर आती है, तो एक बार रूम को अच्छे से ब्रूम कर लें, उसके बाद में ही डस्टिंग स्टार्ट करें। बिकॉज होता क्या है, जब आप भी चलेंगे तो उसकी वजह से डस्ट इधर उधर डिस्प्लेस होगी और वो ऊपर के सर्फेसिस में आकर के सेटल हो जाएगी। इस रूम में भी इस तरीके का एक शेल्फ है, तो मैं पेपर्स को हटा करके नया पेपर यहाँ पर लाइन कर दूंगी। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत बार पूछा कि हम बुक्स को कैसे क्लीन करें, तो वैक्यूम क्लीनर एकदम बेस्ट ऑप्शन है बुक्स को क्लीन करने के लिए। जैसे हम डस्टिंग के टाइम पर टॉप टू बॉटम अप्रोच को फॉलो करते हैं, जब आप गीले कपड़े से अपने फर्नीचर पीसेस को क्लीन कर रहे हों उस समय भी इसी अप्रोच को फॉलो करिए। ऐसा करने से जो भी डस्ट है, ड्राई डस्ट है, वो नीचे आकर के नीचे वाले शेल्फ में सेटल होती जाएगी, जिसकी वजह से आपका काम इंक्रीज नहीं होगा। एवरीडे क्लीनिंग के टाइम पर हम सिर्फ टेबल टॉप्स ही क्लीन करते हैं। दिवाली के टाइम पर ये अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हमें फर्नीचर को क्लीन करना चाहिए फ्रॉम ऑल द साइड्स। यहाँ से भी अब जितने भी डेकोर पीसेस हैं, मैं उनको एक एक करके अच्छी तरीके से गीले माइक्रोफाइबर क्लॉथ की हेल्प से क्लीन कर लूंगी। नाउ दिस इज द सेम प्रोसेस, मैंने सारे के सारे डेकोर पीसेस को क्लीन करके उनकी जगह पर वापस सेट कर दिया है, इसलिए मैंने वो सारा क्लिप्स आपके साथ शेयर नहीं किया है। हाँ, इस रूम का मेकओवर बहुत जल्द मैं आप सबके साथ में डेफिनेटली शेयर करूंगी। और लास्ट में मैं बेडशीट को, पिलो कवर्स, कुशन कवर्स, इन सब को मशीन में वॉश करने के लिए लगा दूंगी। इसी के साथ हमारा डे 2 होता है ख़त्म और हमारे घर का मास्टर बेडरूम भी क्लीन हो गया है। This is day 3 और आज मैं क्लीन करूंगी डाइनिंग स्पेस एंड किचन, और सबसे पहले दोनों रूम्स के डोर क्लोज करूंगी ताकि डस्ट वापस से इन रूम्स में सेटल ना हो। अगेन सेम प्रोसीजर, मैं सारा का सारा जितना भी सामान है, जो भी विजिबल सामान है कैबिनेट्स के ऊपर, टेबल टॉप के ऊपर, उसको हटा करके मैं डाइनिंग टेबल के ऊपर रख दूंगी। फर्स्ट आई विल क्लीन द फॉल सीलिंग, आई विल ट्राई टू रिमूव ऑल द कोबवेब्स फ्रॉम देयर, then I will clean the light fixtures and then I will come to the walls. Crockery unit का भी जो top portion है उसके ऊपर मैंने newspapers लगा रखे थे, तो उन newspapers को हटा करके मैं इस area को अच्छी तरीके से vacuum clean करूँगी, because ये portion kitchen में आता है जिसकी वजह से यहाँ पर dust ज़्यादा accumulate हो जाती है। अब एक गीले माइक्रोफाइबर क्लॉथ की हेल्प से जो क्रॉकरी यूनिट है उसे क्लीन करूंगी, और उसके साथ में ही जो हमारी पेंट्री यूनिट है उसको भी मैं अच्छी तरीके से क्लीन कर लूंगी।
जहाँ पर हम पेंटिंग्स हैंग करते हैं उस पोर्शन पे कुछ मार्क्स आ जाते हैं। वॉलपेपर वाटरप्रूफ है तो आप गीले कपड़े से क्लीन कर लें, और अगर वॉल्स पे प्लास्टिक पेंट है तो भी आप उसे गीले कपड़े से क्लीन कर सकते हैं। हैंगिंग लाइट्स को क्लीन करने के लिए एक कपड़े में आप थोड़ा सा हैंड सैनिटाइजर लें, उससे बल्ब और वायर को क्लीन कर सकते हैं। अगर थोड़ा डिफिकल्ट है इन लैम्प्स को क्लीन करना तो आप इस तरीके से एक फेदर डस्टर ले सकते हैं, बिकॉज आप इसको गीले माइक्रोफाइबर क्लॉथ से अंदर हाथ डाल के क्लीन नहीं कर पाएंगे। अब डेकोर पीसेस, पेंटिंग्स, इनको अच्छे से क्लीन करके इनकी जगह पर इन्हें वापस से प्लेस एंड हैंग कर दूंगी। बेसबोर्ड्स अगर आप चाहें तो गीले कपड़े से भी पोंछ सकते हैं। और उसके बाद में मैं यहाँ पर न्यूज़पेपर लगा रही हूँ और सारा का सारा जो सामान है उसको वापस सेट कर लूँगी। डाइनिंग स्पेस क्लीन करने के बाद में अराउंड 1 आवर मेरे पास बचा था, तो मैंने सोचा कि चलिए किचन की भी थोड़ी बहुत क्लीनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं टॉप कैबिनेट्स के ऊपर ऑल पर्पज क्लीनर स्प्रे करके उसे 1 मिनट के लिए छोड़ दूंगी, और उसके बाद में गीले माइक्रोफाइबर क्लॉथ से इन सारे के सारे कैबिनेट्स को अच्छे से पोंछ दूंगी, और उसके बाद में ही हम नीचे वाले कैबिनेट्स में आते जाएंगे। चिमनी को क्लीन करने के लिए मैं यहाँ पर ऑल पर्पज क्लीनर स्प्रे करूंगी, थोड़ी सी देर उसको लीव करके एक स्टील वूल की हेल्प से जितना भी ऑयल यहाँ पर डिपॉजिट हुआ है उसको क्लीन करूंगी, और फिर वेट माइक्रोफाइबर क्लॉथ से उसको पोंछ दूंगी। आप चाहें तो सोप और वाटर और विनेगर का सोल्यूशन रेडी कर सकते हैं, बट देन अगर आप फटाफट अपना काम खत्म करना चाहते हैं तो ऑल पर्पज क्लीनर को यूज करके आप दिवाली की क्लीनिंग को और भी ज्यादा स्ट्रेस फ्री और ईजी बना सकते हैं। तो इसी तरीके से मैं एक एक करके जितने भी कैबिनेट्स हैं स्टोव के ऊपर वाले उनको क्लीन करती जाऊंगी। तब एक बार आप अच्छी तरीके से पूरा काउंटर टॉप, बैक स्प्लैश और गैस स्टोव को अच्छे से क्लीन कर लें, अब बारी आती है क्लीन करने के लिए अप्लायंसेस की। तो अप्लायंसेस को रखने वाले जो टेबल्स हैं या ट्रेज हैं उनको भी आप अच्छी तरीके से पहले डीप क्लीन कर लीजिए, और उसके बाद में उसको उसकी जगह पर रख दें, और एक एक करके जितने भी अप्लायंसेस हैं, स्पेशली आपका जो माइक्रोवेव होता है उसको अच्छे से क्लीन करिए, बिकॉज हम इसको बहुत फ्रीक्वेंटली इसकी जगह से डिस्प्लेस करके स्पेशली जो पीछे वाला पोर्शन होता है उसे क्लीन नहीं कर पाते हैं। दिस इज डे 4, और आज के दिन जितने भी हमारे काउंटरटॉप से नीचे वाले ड्रॉर्स एंड कैबिनेट्स हैं मैं उन्हें क्लीन करूंगी। तो सबसे पहले जो हमारी वेजिटेबल बास्केट है मैं इसे पुल करके दोनों की दोनों बास्केट्स को निकाल दूंगी, ताकि मैं अच्छी तरीके से इस एरिया को भी डीप क्लीन कर पाऊँ। तो डस्ट रिमूव करने के लिए आप वैक्यूम क्लीनर यूज़ कर सकते हैं, और उसके बाद में इसे गीले कपड़े से पोंछ दें और सूखने दें। अब बास्केट्स को आप अच्छे से अगर लाइन करके रखते हैं तो बास्केट्स उतनी ज़्यादा गंदी नहीं होती हैं। वुड पोर्शन को आप बहुत अच्छे से गीले कपड़े से पोंछ सकते हैं, और ये जो जाली है उसे क्लीन करने के लिए डेफिनेटली वैक्यूम क्लीनर की हेल्प लें, ताकि आपका काम ईजिली हो पाए। बास्केट्स को अच्छे से लाइन कर दें ताकि बास्केट्स गंदी ना हो। मैंने पास में ये मिस्टेक करी है कि मैं बास्केट्स को बिना लाइन करे रख देती थी, जिसकी वजह से बास्केट्स बहुत जल्दी गंदी हो जाती थी। अभी जो नीचे वाले ड्रॉर्स एंड कैबिनेट्स हैं मैंने फ्रीक्वेंटली वीक में एक बार क्लीन कर लेती हूँ, तो ये उतने ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं, तो इसे मैं नॉर्मल गीले कपड़े से ही पोंछ रही हूँ। और पहले ही मैंने अंदर जो कैबिनेट्स के सामान है उसको निकाल करके एक दिन पहले डीप क्लीन कर लिया था, जिसकी वजह से मुझे सिर्फ और सिर्फ इन कैबिनेट्स को अच्छे से बाहर बाहर से क्लीन करना रह जाता है। किचन के डोर और सिंक को क्लीन करें और आपका किचन भी अच्छी तरीके से क्लीन हो जाएगा। दिस इज 5th day, और आज के दिन मैं टैकल करने वाली हूँ हमारे घर का लिविंग स्पेस। तो कुछ इस तरीके से अभी लिविंग स्पेस लग रहा है। सोफे के ऊपर मैं सबसे पहले एक बेडशीट लगाऊंगी। ये बेडशीट्स हमें वैसे भी धोनी थी, तो मैंने सोचा कि पहले मैं इन्हें सोफे के ऊपर लगा देती हूँ, जिसकी वजह से सोफा प्रोटेक्ट हो जाएगा जब मैं डस्टिंग कर रही हूँ तब। ड्राइंग रूम में सबसे ज्यादा डेकोर पीसेस होते हैं, चाहे मेरा घर हो या किसी का भी घर हो। तो डेकोर पीसेस को, वॉल आर्ट्स को, वॉल पेंटिंग्स को, प्लेट्स को, जो भी चीजें हैं उनको निकाल करके आपका जो कॉफी टेबल है उसके ऊपर रखते जाइए। तो यहाँ पर भी मैं सबसे पहले फैंस और उसके बाद में शैंडेलियर को क्लीन करूंगी, एंड देन आई विल फॉलो द सेम अप्रोच दैट इज टॉप टू बॉटम।
जिसमें कि मैं सबसे पहले सीलिंग के आसपास जितने भी कोबवेब्स हैं या फॉल सीलिंग के अंदर जहाँ पर कोबलाइट होती है वहाँ पर जो भी कोबवेब्स हैं मैं उनको रिमूव करूँगी इसी ब्रश की हेल्प से, और उसके बाद में मैं फेदर ब्रश की हेल्प से जो वॉल्स हैं उनको क्लीन करना स्टार्ट करूँगी। वॉल्स के ऊपर भी बहुत सारी डस्ट एक्यूमुलेट हो जाती है ओवर द टाइम, जिसे क्लीन करना ज़रूरी होता है। आप देखोगे भी कि जब आप थोड़ी सी डीप क्लीनिंग ही कर देते हो, ऊपर से सीलिंग और वॉल्स को अच्छे से क्लीन कर देते हो, तो आपका रूम बहुत ज़्यादा लाइट अप हो जाता है। वो इसी वजह से, क्योंकि डस्ट ओवर द टाइम बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाती है। और जब आप इस तरीके से फेदर ब्रश यूज़ करते हैं तो जो भी वॉल के ऊपर लाइट फिक्स्चर्स हैं उनको भी आप इसी ब्रश की हेल्प से ही क्लीन कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास फोम शीट्स लगी हुई हैं जिन्हें मैं सेम फेदर ब्रश से ही क्लीन कर रही हूँ। ड्राई डस्टिंग के बाद में हम करेंगे वेट डस्टिंग। तो यहाँ पर मैंने सोप एंड वाटर सॉल्यूशन से माइक्रोफाइबर क्लॉथ को थोड़ा सा गीला कर लिया है, और उसके बाद में जितने भी फर्नीचर पीसेज हैं उन्हें टॉप टू बॉटम अप्रोच से क्लीन कर दी जाऊंगी। मेरे घर में जितने भी फर्नीचर पीसेज हैं उनमें मोस्टली लैमिनेट लगा हुआ है, तो लैमिनेट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस फ्री होते हैं और आप इसे बहुत ईजिली रफली गीले कपड़े से पोंछ सकते हैं, लैमिनेट्स बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। और जहाँ पर भी आपके पास में विनियर्स हों या जो पॉलिशिंग वाला काम होता है उसके लिए आपको थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत होती है, बाकी इस तरीके के जितने भी पीसेज हैं आप उन्हें गीले कपड़े से बहुत ईजिली पोंछ सकते हैं। जब भी आप सोफ़ा या विंग चेयर हटाएंगे तो उसके पीछे या जो कॉर्नर्स हैं उनको अच्छे से ब्रूम ज़रूर करें। अब इन सारे ही आर्टिफैक्ट्स को क्लीन करने के लिए मैंने वाटर एंड सोप का सोल्यूशन लिया है। जो भी आर्टिफैक्ट्स आपके एक्रेलिक, प्लास्टिक या फिर फाइबर के हैं उन्हें आप बहुत आराम से इस तरीके से डिप करके क्लीन कर सकते हैं, चाहे तो ब्रश की हेल्प ले लें या फिर डायरेक्टली हैंड से स्क्रब करके उसे क्लीन कर लें। सोप सोल्यूशन से निकालने के बाद में आप इन आर्टिफैक्ट्स को एक बार वाटर में ज़रूर डिप करें ताकि जो भी सोप यहाँ पर होगा वो वॉश आउट हो जाए। इस तरीके से आप आर्टिफैक्ट्स को जब भी क्लीन करेंगे तो बहुत ही फटाफट आपके सारे के सारे डेकोर पीसेस क्लीन हो जाएंगे। जब मुझे पूछा जाता है इतने सारे डेकोर पीसेस को मैं कैसे मेंटेन करती हूँ, सो दिस इज़ द सीक्रेट। हमारे पास कुछ ऐसे भी डेकोर पीसेस होते हैं जिन्हें हम पानी में डिप नहीं कर सकते हैं, स्पेशली कुछ आइडल्स, पेंटिंग्स या फिर वुडन के आर्टिफैक्ट्स, तो उन्हें क्लीन करने के लिए आप गीला माइक्रोफाइबर क्लॉथ यूज़ कर सकते हैं। इन आइडल्स को या जितने भी आपके आर्टिफैक्ट्स और पेंटिंग्स हैं उन्हें अच्छी तरीके से कम्प्लीटली ड्राई होने दें और उसके बाद में ही आप इन्हें वापस इनकी जगह पर सेट करिए। दिस इज़ द सेम डे जब एक बार अच्छे से पूरे घर में झाड़ू पोछा हो गया उसके बाद में ही मैंने सोफे के ऊपर जो कवर लगाए थे उसे रिमूव कर रही हूँ। यू नो, झाड़ू के टाइम पे बहुत सारी डस्ट इधर उधर सेटल होती है, तो मेक श्योर करिए कि जब अच्छे से आप मॉपिंग कर लेते हैं उसके बाद में ही आप सोफे के ऊपर से स्पेशली कवर्स को रिमूव कर रहे हैं। और मैंने अच्छे से लिविंग रूम डीप क्लीन कर दिया, इसका मेकओवर भी मैं बहुत जल्द आप सबके साथ में शेयर करूँगी। मेकओवर क्या, बेसिकली मैंने किस तरीके से इसे डेकोरेट किया है वो शेयर करूँगी। दिस इज़ डे 6 यानी कि लास्ट डे ऑफ द क्लीनिंग। तो आज के दिन मैं फॉयर एरिया और कुछ और रैंडम चीज़ें हैं जिन्हें क्लीन करूँगी। तो सबसे पहले सीलिंग में से जितने भी कोबवेब्स हैं मैं उनको हटाऊंगी इस ब्रश की हेल्प से, और उसके बाद में वॉल्स को अच्छे से क्लीन करूंगी। अब जिस भी रूम में आप फर्नीचर पीसेस को हटा सकते हैं उसे हटा करके अच्छे से जितना भी कचड़ा है वहां से उसे हटा दीजिए, और वापस इसको जगह पर रखने से पहले इसे एक बार गीले माइक्रोफाइबर क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से पोंछ दें ताकि फर्नीचर अच्छे से क्लीन हो जाए। दिवाली इज़ द आइडल टाइम, आप अपने घर में कोई चेंजेस करते हैं तो डीप क्लीनिंग करने से पहले या डीप क्लीनिंग करते टाइम उन चेंजेस को ज़रूर अप्लाई कर दें। जैसे कि इस लेज को मैं यहाँ से हटा रही हूँ और जो डस्ट एक्यूमुलेट हो गई थी लेज के आसपास उसे मैं गीले कपड़े से पोंछ दूंगी। फॉयर काफ़ी ज़्यादा छोटा स्पेस होता है तो इसके साथ में कुछ और चीज़ें हैं जिन्हें मैं इसी दिन क्लीन करूंगी। जैसे कि अगर आपके घर में जितने भी आर्टिफिशियल प्लांट्स हैं उन्हें क्लीन करने के लिए आप सोप एंड वाटर का सोल्यूशन रेडी करके इस तरीके से डिप कर लें, उसे अच्छे से क्लीन करें एंड नॉर्मल वाटर से उसे एक बार पास कर दें ताकि सोप सोल्यूशन उसमें से सारा का सारा रिमूव हो जाए। इसी तरीके से जितने भी बुशी प्लांट्स हैं आप उन्हें भी ऐसे ही क्लीन कर लीजिए और इसे एयर ड्राई होने दें। मैंने आपसे पहले भी ये शेयर किया है कि आप चाहें तो डोर्स एंड विंडोज़ को सेपरेटली किसी एक दिन अलग से क्लीन कर सकते हैं। डीप क्लीनिंग के टाइम पे अगर आप इसे क्लीन नहीं भी कर रहे हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज़
हम इसे सिर्फ और सिर्फ एक गीले कपड़े से पोछेंगे तो उतना ज़्यादा डस्ट नीचे की तरफ सेटल नहीं होता है। तो झाड़ू पोछा होने से पहले आप चाहें तो पूरे घर के डोर्स एंड विंडोज़ को एक घंटे के अंदर अच्छे से डीप क्लीन कर सकते हैं। ट्रैक्स को और ये जो चैनल जिसपे रन होता है उनको भी अच्छे से क्लीन ज़रूर करें। घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं जैसे कि एयर प्योरीफायर, ह्यूमिडिफायर, एसी या फिर कूलर जिसको हम नेक्स्ट सीजन में यूज़ करने वाले हैं, इन अप्लायंसेस को भी आप इसी टाइम पर सेपरेटली अच्छे से क्लीन करके रख सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम जब भी क्लीनिंग करते हैं तो हम मेक श्योर करते हैं हम ग्लास के विंडोज़ एंड डोर्स को क्लीन करें जो हमारे बालकनी से अटैच्ड होते हैं, लेकिन हम हमारे रूम के डोर्स को क्लीन करना यूजुअली भूल जाते हैं। मेरे साथ तो ये हमेशा होता है। तो इस दिवाली आप मेक श्योर करिएगा कि आप इन डोर्स को भी अच्छे से क्लीन ज़रूर कर रहे हैं, स्पेशली जो डोर की चौखट होती है या जहाँ पर आप दरवाजे को बंद करते हैं, जहाँ पर हिंजेस होते हैं वहाँ पर बहुत सारा कोवेब लग जाता है, तो उसे आप गीले कपड़े से ज़रूर साफ करिएगा। ये था आज का वीडियो एंड आई होप कि आज आप इस वीडियो से थोड़ा सा ज़रूर मोटिवेट हुए होंगे। और अगर अभी तक आपने अपनी दिवाली की क्लीनिंग स्टार्ट नहीं करी है तो इन हैक्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करके आप डेफिनेटली अपने पूरे घर को बहुत अच्छी तरीके से क्लीन कर पाएंगे। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन एंजॉय, टेक केयर एंड बाय बाय।